अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फाइव क्लास, क्या हाल है बेटा? ठीक है। आज 12 दिसंबर है और सैटरडे है। आज हम अपना साइंस के यूनिट नंबर 7 का नेक्स्ट लेक्चर लेने लगे हैं। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी, पहले हम वो ज़रा राइट कर लें। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो जैसे कि आप ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर चुके हो, इसको हमने स्टडी कर लिया है। तो इसमें आपने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन हमने स्टडी की थी। डेफिनेशन मैं पिछले लेक्चर में आपको रिवाइज करवा चुकी हूँ। तो अभी आई होप कि जिन बच्चों ने मुझे सबने ही ऑलमोस्ट सुना दी है, ठीक है, डेफिनेशन भी आपको आ गई है इसकी। और जो नेक्स्ट चीज़ हमने इसके कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, कंपोनेंट्स में भी आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको अब दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग ये लर्न करके मुझे ऑलरेडी सुना चुके हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूज एंड इट्स यूजेस। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हमने किसको डिस्कस करना है, फ्यूज़ को, कि फ्यूज़ क्या होते हैं। उसके बाद हम यूजेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पे हमने फ्यूज़ डिस्कस करना है, सेकेंड नंबर पे यूजेस को डिस्कस करना है। तो फ्यूज़ की डेफिनेशन मैं आपके सामने अभी राइट करने लगी हूँ कि बेसिकली फ्यूज़ जो है वो होता क्या है। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने फ्यूज़ का भी बताना है और उसके एक्टिव, उसकी आपने यूज़ भी बताने हैं, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने राइट कर रही हूँ। ओके बेटा, तो अब मैं आपके सामने फ्यूज़ की डेफिनेशन राइट करने लगी हूँ। फ्यूज़ क्या आखिर क्या होता है, ये आपकी बुक पेज नंबर 82 पे राइट किया भी हुआ है, ठीक है। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। अब सेफ्टी डिवाइस का क्या मतलब है, कि एक ऐसी डिवाइस है जो आपको महफूज रखती है, ठीक है। सेफ्टी डिवाइस है कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल सॉरी यहाँ पे आना है सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ की जाती है। अब इसकी कंपोजिशन कैसी है आपने वो बतानी है, कि इट इज़ अ थिन वायर, एक थिन वायर होती है। पहले मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाती भी हूँ, ठीक है। इट इज अ थिन वायर विच अलाउ, यहाँ पे अलाउज आएगा, ठीक है, अलाउज विच इज, अच्छा इट के बाद बेटा इज भी आना है, ठीक है। वो मैंने बोला है लेकिन मैंने यहाँ पे राइट नहीं किया हुआ, मैं राइट कर रही हूँ, इट इज अ थिन वायर विच अलाउज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है, अब इसके पहले मैंने बताया कि सेफ्टी डिवाइस है ये। अब हम इसको ज़रा एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, एक दफ़ा समझ लेते हैं फ्यूज़ क्या चीज़ होती है। फ्यूज़ जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस है, मतलब एक हिफाजत करने वाली डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कनेक्टेड होती है। जैसे आपके घर में मेन स्विच है, मेन स्विच के साथ ही कुछ बटन्स, कुछ वहाँ पे ब्रेकर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, फ्यूज़ लगे हुए होते हैं, और वो एक ही डिफरेंट तरह के फ्यूज़ लगे हुए होंगे।
बटन लगे हुए होते हैं आपके घर उस घर मेन स्विच के साथ ही, तो वहाँ पे पहले करंट जो है वहाँ पे जाता है, ठीक है। जो मेन स्विच, मेन इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है, वहाँ पे पहले करंट जो है वो फ्यूज़ के अंदर से गुजरता है, और इसके अंदर से उतना करंट ही गुजर सकेगा, स्पेसिफिक अमाउंट ही करंट की गुजर सकेगी जितनी के रिक्वायर होती है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा अमाउंट एक्सीड कर जाए, बढ़ जाएगी करंट की अमाउंट, तो फ्यूज़ जो है वो जल जाता है, बर्न हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, आपको पता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज क्या होते हैं, जो आपके घर में फ्रिज है, टीवी है, जो मेन इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए चल रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अप्लायंसेज। तो ऐसे अप्लायंसेज जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, उन तक बिजली जो पहुंचती है उससे पहले फ्यूज़ या ब्रेकर वगैरह हमने अटैच किए हुए होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर से स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो करंट की गुजरती है और फिर बाद में उन तक पहुंचती है। अगर करंट ज़्यादा होगा लिमिट से तो वहाँ वायर हमारी या फ्यूज़ जो है वो जल जाता है, जिसकी वजह से चीज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो भी बच जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो एक चीज़, एक तो फ्यूज़ है, लेकिन एक जो है उसको, एक होता है इसके अंदर ब्रेकर भी यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है। ब्रेकर ऐसी चीज़ होती है कि फ्यूज़ जो है वो बर्न हो जाता है, लेकिन ब्रेकर एक बल्ब की बटन की तरह का काम करता है, वो अगर करंट ज़्यादा अमाउंट में करे तो ब्रेकर जो है वो ऑफ हो जाता है, ठीक है, बटन उसका गिर जाएगा, बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट जो है वो फ्लो करना बंद हो जाता है, और आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे करंट अमाउंट जो है वो ज़्यादा एक्सीड कर रही है। तो जो मैक्सिमम करंट, ठीक है, किसी भी फ्यूज़ में से जो गुजरता है, यहाँ पे एक वर्ड आपके यूज हुआ है रेटिंग का भी, ठीक है। अब रेटिंग क्या चीज़ होती है, कि जो मैक्सिमम करंट जो है वो गुजर रहा है किसी भी फ्यूज़ के अंदर से, द मैक्सिमम करंट दैट अ फ्यूज़ अलाउज टू पास थ्रू, मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, द मैक्सिमम, द मैक्सिमम करंट, ठीक है, अ फ्यूज़ अलाउज टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेटिंग, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक फ्यूज के अंदर से जितनी करंट की अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा करंट जितना भी गुजर सकता है, उसको हम उस फ्यूज की रेटिंग कहते हैं, ठीक है। अब रेटिंग का मतलब यही है कि अगर रेटिंग से ज़्यादा करंट हो जाएगा, मैक्सिमम करंट से भी ज़्यादा एक्सीड करेगा, तो करंट जो है वो काम फ्यूज़ जो है वो नहीं करेगा। अब जो रेटिंग है उसके लिए भी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूज़ यूज होते हैं, ठीक है, कि एक ही रेट का डिफरेंस फ्यूज़ हर एक नहीं होता, इसमें रेटिंग के लिए भी, रेटिंग अमाउंट में भी हर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूज़ हैं जो यूज़ होते होते हैं, कि एक फ्यूज़ जो है अगर उसके अंदर से करंट कम गुजर रहा है तो दूसरा कोई फ्यूज़ है उसके अंदर से ज़्यादा यूज गुजर रहे होते हैं, करंट गुजर सकता है, ज़्यादा अमाउंट में करंट गुजर जाता है, ठीक है। आपकी बुक पेज नंबर 83 के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूज़ बनाए हुए हैं, दिखाए हुए हैं पेज के ऊपर डायग्राम में, और ब्रेकर्स भी दिखाए हुए हैं। फिगर 7.6 है, ये मैं आपके सामने कर रही हूँ, ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर्स, ये अब जितने भी हैं इनमें से कुछ फ्यूज़ हैं, और ये वाला आपके सामने जो रेड कलर में है ये फ्यूज़ होता है, ठीक है। ये आपके पास जो वाइट कलर का एक बड़ा सा नज़र आ रहा है बल्ब से टाइप का, ये आपके पास क्या है, ब्रेकर है। उसके अलावा ये जो साइड पे दो छोटे वाले पड़े हुए हैं ये भी ब्रेकर्स हैं, और एक जिसके पोल दोनों साइड पे येलो कलर के डायग्राम बनी हुई है, दोनों येलो कलर के एंडिंग पोल्स हैं, ये भी आपके सामने ब्रेकर और फ्यूज़ की एक टाइप है, ठीक है, देख लिए सबने। तो उसके अलावा आपके सामने अभी तक ये क्या चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ये की हैं हमने फ्यूज़ के बारे में डिस्कस, कि फ्यूज़ क्या होता है, ब्रेकर और जो है आपके पास ब्रेकर यूज़ होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब हमने डिस्कस करने हैं फ्यूज़ के यूजेज ऑफ फ्यूज़, जब आपने राइट करने हैं बेटा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लर्न भी करना है, जैसे कि आपको पता है कि हम नोटबुक पे राइट करने से पहले ही मैं आपको लर्निंग करवा देती होती हूँ, ताकि आपने जब हमने क्लास वर्क में जस्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं तो आप पहले से लर्न कर चुके होंगे,
और आपको राइट करने में भी आसानी होगी। तो अब मैं इस साइड पे आपके सामने फ्यूज़ के कुछ यूजेज हैं वो राइट करने लगी हूँ। इनका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आपने जस्ट इनको लर्न करना है, राइट नहीं करना। यूजेज ऑफ फ्यूज, यूजेज ऑफ फ्यूज में फर्स्ट नंबर पे जो मैं आपके सामने यूज राइट कर रही हूँ, ठीक है। 2, 2, 3 हम इसके डिस्कस कर लेंगे अभी, ठीक है। बाकी फर्दर जो डिटेल्स होंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इनकी जो यूज़ रह जाएंगे। 1 पॉइंट मैं आपके सामने राइट कर रही हूँ, इट प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है उनको शॉर्ट सर्किट जो है उससे बचाता है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, इट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ फ्रॉम शॉक्स। कि जो हमें करंट वगैरह, अगर खुदा ना खास्ता किसी को करंट लगे या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो, तो जो फ्यूज़ है वो आपको इस चीज़ से भी बचाने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। किस तरह से हेल्प करता है कि अगर आपको करंट वगैरह लगा हो तो फ्यूज़ या जो ब्रेकर लगे हुए होते हैं वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इट हेल्प्स टू स्टॉप द करंट व्हेन इट एक्सीडेड, कि जब ये अपनी लिमिट से बढ़ जाते हैं, फ्रॉम इट्स लिमिट वैल्यू, ठीक है। कि जो फ्यूज़ है वो अगर उसकी करंट रेटिंग जितनी भी है, कि जितना उसके अंदर से करंट गुजरना है उससे ज़्यादा गुजरने लगे, तो वो क्या कर देगा, करंट को गुजरने नहीं देता, उसे स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से फ्यूज़ जो है वो बंद हो जाता है। आपके पास जो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसमें करंट आ रहा होता है वो वर्क नहीं करती। तो इट्स मीन कि ये आपको उन चीज़ों को जलने से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। कि उसकी जितनी लिमिट है एक फ्यूज़ की, कि उसमें से कितना करंट गुजरेगा, उससे ज़्यादा करंट गुजरने नहीं देता। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक है, अब हम रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग करने के बाद आपने डायरी जो आपके आज मैंने देनी है वो फ्यूज़ की ही देनी है, कि यूज़ ऑफ फ्यूजेज आपने लर्न करने हैं और फ्यूज़ क्या होता है इसकी आपने डेफिनेशन लर्न करनी है। तो अब अपनी बुक्स ओपन कर लें और ये जो सामने आपके यूजेज ऑफ फ्यूज़ राइट किए हुए हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है सब बच्चों ने, क्योंकि आपकी बुक में एज इट इज़ ये राइट नहीं किए हुए, वहाँ पर और तरह से राइट किए हैं, ठीक है। चलें अब बुक ओपन कर लें। ओके बेटा, तो पेज नंबर 82 पे 7.3 टॉपिक है, फ्यूज़ एंड इट्स यूजेज, ठीक है। फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस कनेक्टेड इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो यहाँ पे आपने फ्यूज़ को अंडरलाइन कर लेना है, ये आपका एमसीक्यूज़ वर्ड है, कि फ्यूज़ जो है वो एक सेफ्टी में हिफाजत करने वाली डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर कनेक्टेड होती है, ठीक है। इट इज़ अ थिन मेटल वायर, अब ये वही इसकी कंपोजिशन है कि ये किस तरह से बनती है। इट इज़ अ थिन मेटल वायर, ये एक पतली सी मेटल वायर होती है, ठीक है। विच अलाउज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू इट,
जो कि अपने अंदर से सिर्फ कुछ अमाउंट ही करंट की गुजरने देती है। इफ़ द करंट एक्सीडेड द लिमिट, अगर करंट उस अपनी अमाउंट उसकी ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए, द फ्यूज़ मेल्ट्स, फ्यूज़ वायर मेल्ट्स, क्या होगा, फ्यूज़ की जो वायर है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, एंड ब्रेक्स द सर्किट, और सर्किट क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, एंड वी से दैट, और हम ये बात कहते हैं द फ्यूज़ हैज़ ब्लोन अप, कि फ्यूज़ जो है वो जल गया है। इन दिस वे द फ्यूज़ सेव्ड आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम एनी डैमेज, तो इस तरह से जो फ्यूज़ है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हमारे घरों में लगी हुई होती हैं उन्हें किसी भी डैमेज होने से बचा लेती है, ठीक है, डैमेज होने से आप उनको बचाती है। अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो डायरेक्ट अटैच होती हैं आपके घर में आ रही होती हैं मेन इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो अटैच होती हैं वो वाली अप्लायंसेज है, इनके बारे में आपने 4th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, टीवी है, फ्रिज है, कंप्यूटर है, उसके अलावा जितने भी सोन आपके घर में जो बल्ब्स लगे हुए हैं, आपके फैंस वगैरह यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो अब पेज नंबर 83 पे आ जाएं क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका पेज नंबर 83 के ऊपर है। द मैक्सिमम करंट दैट अ फ्यूज अलाउज टू पास थ्रू इज कॉल्ड इट्स रेटिंग, अब जो मैक्सिमम करंट जितना भी एक फ्यूज़ के अंदर से गुजर सकता है उसको हम उसकी रेटिंग कहते हैं। रेटिंग के बारे में भी हमने डिस्कस किया है पहले, तो फ्यूज़ ऑफ डिफरेंट रेटिंग, अब जो फ्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट रेटिंग के यूज़ होते हैं, आर यूज्ड फ्रॉम डिफरेंट अप्लायंसेस के, डिफरेंट फॉर डिफरेंट अप्लायंसेस, मतलब कि फ्रिज है, अगर आपके घर में एक जगह पे ज़्यादा करंट, ज़्यादा अमाउंट में किसी रूम में करंट जा रहा है, फ्रिज जो है वो ज़्यादा करंट लेती है, उसके अलावा जो आपके घर में कंप्यूटर है, इसी तरह से टीवी, फैन वगैरह जितने भी हैं सबकी जो बिजली जो वो यूज़ करते हैं वो अलग अलग अमाउंट में होती है, ठीक है, एक ही अमाउंट की नहीं होती, इसलिए हर रूम में आपने फ्यूज़ भी देखे हैं अपने घर में जहाँ पे लगे हुए होते हैं मेन स्विच के साथ, वो डिफरेंट अमाउंट में होंगे, ठीक है, उनकी रेटिंग जो है वो डिफरेंट होगी, हर रूम के अंदर डिफरेंट अमाउंट में करंट जो है वो सप्लाई हो रहा होता है, और वो करंट कहाँ से गुजर के जा रहा है, फ्यूज़ के अंदर से ही गुजर के जा रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और उसके अलावा जो आजकल हमारे घरों में यूज़ हो रहे हैं, पहले जो टाइम था तब सिर्फ फ्यूज़ ही यूज़ किए जा रहे थे, लेकिन अब ब्रेकर्स, सर्किट ब्रेकर्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है, तो अब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पे एक वर्ड है रेटिंग, ठीक है, सेकेंड लाइन में जो राइट किया हुआ है आपको बुक पर नज़र भी आ रहा है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, ये भी आपका MCQ वर्ड है, फ्यूज़ नाउ आर डेज, लेकिन अब दिनों अब सर्किट ब्रेकर्स आर ऑल्सो यूज एट द प्लेस ऑफ फ्यूज़, के फ्यूज़ की जगह पे क्या हम यूज़ करने लगे हैं, सर्किट ब्रेकर, दे हैव द सेम फंक्शन एज द फ्यूज़, कि उनका भी सेम वही फंक्शन है जो कि फ्यूज़ का यूज़ होता है, लेकिन फ्यूज़ जो है वो बर्न हो जाता है, सर्किट ब्रेकर का हमें एक बेनिफिट ये होता है कि ये बर्न नहीं होता, इसका जो बटन है वो ऑन ऑफ अगर है काम कर रहा है तो वो बटन जो इसका जस्ट ऑफ हो जाएगा, और ना तो इसकी वायर बर्न होती है जिसकी वजह से फ्यूज़ हमें चेंज नहीं करना पड़ता, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको पता चल जाता है कि ज़्यादा अमाउंट में करंट गुजर गया है जिसकी वजह से आप उसको अपनी इलेक्ट्रिसिटी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूज़ एंड सर्किट ब्रेकर, ये रेड कलर की जो पिक्चर है ये फ्यूज़ है, ये वाइट कलर में जो एक बटन ये वाला लगा हुआ है ये ब्रेकर है, इस चीज़ों को आपने बेटा घर में आपके ये लगी हुई हैं इनको आपने चेक ज़रूर कर लेना है घर में कि ये आपके घर में हैं भी और किस तरह से ये काम कर रही हैं, कितनी रेटिंग है इनकी, ठीक है। तो अब सब बच्चे अपनी डायरी निकाल लें क्योंकि मैं आपको डायरी राइट करवाने लगी हूँ, ठीक है, तो डायरी निकालें, हम डायरी राइट करते हैं। डायरी बेटा आपको यही दी जाएगी कि फ्यूज़ जो है उसको आपने लर्न करना है, फ्यूज़ के यूजेस को, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फ्यूज़ एंड इट्स यूजेस आपने लर्न करने हैं। और आपको बुक पे मैंने निशान लगवा दिया है जहाँ पे आपने फ्यूज़ की डेफिनेशन लर्न करनी है, तो मैं डायरी यहाँ पे राइट कर रही हूँ, डायरी नोट कर लें सब बच्चे। यूनिट नंबर 7, डेफिनेशन एंड uses of fuse, इनको आपने क्या करना है,
लर्न कर लेना है, लर्न। तो बेटा ये आपकी आज की डायरी है, ये काम सबने करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आपने सेंड भी करना है, और अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ ना आई हो, तो उसमें भी आप व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।